ओपनिंग क्या कार्यक्रम कि आज रिसेप्शन का कार्यक्रम है हमारे अध्यक्ष जी का, बेटे की शादी थी तो उसमें हम लोग आए हैं, तो ये तो आना जाना लगा ही रहता है। तो विधायक जी एक सवाल है कि अभी बात आई थी कि महाकुंभ में मुस्लिमों को दुकान नहीं लगाने दिया, मौलवियों का बयान आ गया है कि हम लोग दरगाहों पे नहीं जाने देंगे हिंदू। देखिए मौलवियों का बयान आ गया है वो विषय अलग है, दरगाह पे तो हिंदू को जाना भी नहीं चाहिए, जहाँ कोई एक ऐसा जिहादी मरा हुआ दबा हुआ पड़ा हो नीचे और उस पर जा करके हिंदू अगर माथा पटकता है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं है। देवादिदेव महादेव भगवान विष्णु भगवान हमारे देवनारायण जी और हनुमान जी महाराज हमारे यहाँ खाटू श्याम जी से लेकर जहाँ आदमी जाना चाहता है ईश्वर एक है, उसके रूप अलग है, लेकिन दरगाह के अंदर तो वो जिहादी दबे हुए हैं जिन जिहादियों ने यहाँ दुराचार किए, बेटियों को जहाँ जौहर करने को मजबूर किया, तो वो दबे हुए हैं, उनके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, उस पर जाके कोई माथा पटक रहा है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं है। ये तो मौलवियों का अच्छी बात है, उन्होंने ये कहा है तो हिंदुओं की आँख इससे खुल गई कि कम से कम वहाँ ना जाएं। हमारे पास जो खुद जो मुस्लिम हैं वो अरब कंट्रीज में भगवान देवादिदेव महादेव की पूजा कर रहे हैं, मक्केश्वर महादेव की, तो जब भोलेनाथ को मुस्लिम भी मान रहे हैं, दुनिया की जब दुनिया नहीं थी तब से शंकर जी हैं तो उनकी पूजा करनी चाहिए, तो मौलवी भी मुझे उम्मीद है कि भगवान महादेव का अभिषेक करेंगे। अभी पिछले दिनों भी एक प्रत्याशी ने भी किया है और तमाम लोग कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में सनातन का झंडा फैलेगा। लेकिन हाँ ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस तरह जूस में मेरी विधानसभा में मूत्र मिलाया गया, मंदिरों में कला बांध करके अंदर जाते हैं और वहाँ जा करके टीका लगा करके लव जिहाद की घटनाएं आ रही हैं, तो हमारी विधानसभा में तो कार्यकर्ताओं ने ये शुरू किया है, जो हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, कि जो लोग डाउटफुल हैं उनको चेक करिए, उनको देखिए, अगर वो मंत्र पढ़ सकते हैं तो ठीक है, मंत्र नहीं पढ़ते हैं तो उनको जरा अंदर ले जाके तलाशी लेना चाहिए कि इनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर खतना हुआ है और वो घुस करके तिलक लगा के घुस रहे हैं तो निश्चित तौर पर दोषी हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, उनको पुलिस को पकड़ाया जाएगा पूरा देश, क्योंकि ये नेहरू लियाकत समझौते के आधार पर देश का बंटवारा हुआ है, हमारी मान्यताओं की संस्कृति का सम्मान करेंगे उस समझौते में है। आज पाकिस्तान के हालात ये हैं, यहाँ सब लोग मजे से रह रहे हैं, लेकिन ये जो मौलवी और कठमुल्ले हैं जिस तरह के स्टेटमेंट लगातार देते हैं, कभी एक बार नहीं बोलते कि जो जिहाद है किसी प्रकार का, मूत्र तक डाल दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं, उनके खिलाफ एक मौलवी नहीं बोलता है, ये बहुत बड़ी साजिश है। और आज दुनिया के अंदर माने मोदी जी को मानने वाले हैं, चाहे अरब कंट्रीज के लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, चाहे ईसाई कंट्रीज के लोग हैं, तो भारत जो है ये हिंदुत्व की सदी दुनिया के अंदर होने जा रही है, तो इन मौलवी के चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं है।